गाइस मारुति ने अपनी नई वाली स्विफ्ट को लॉन्च कर दिया है 6.49 लाख में। इस गाड़ी में मारुति ने काफी सारे अपग्रेड्स करे हैं और कुछ डाउनग्रेड्स भी करे हैं। और इस गाड़ी में कितने वेरिएंट्स मिलते हैं, उन वेरिएंट्स में कौन से फीचर्स मिलते हैं, इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस क्या है, सभी वेरिएंट्स की वो बात करेंगे इस वीडियो में। और मारुति ने इस गाड़ी में क्या क्या चेंजेस करे हैं सब कुछ देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी में मिलने वाले वेरियंट्स के बारे में। तो इसमें आपको टोटल 5 वेरियंट्स मिलते हैं। सबसे पहला है LXi, उसके बाद VXi, फिर VXi ऑप्शनल, फिर ZXi, फिर ZXi प्लस जो कि इसका टॉप एंड वेरिएंट है, और इसी में आपको डुअल टोन का ऑप्शन भी इसमें मिल जाता है। और इसके सभी वेरिएंट्स की प्राइसिंग की बात करें तो बेस वेरिएंट LXi आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 6.49 लाख और इसकी ऑन रोड प्राइस है 7.52 लाख। मैं ना आपको सभी वेरिएंट्स की ऑन रोड प्राइसेस बता देता हूँ, जिससे कंफ्यूजन कम होगा प्राइसेस में। LXi के बाद आता है VXi, जिसकी मैनुअल में ऑन रोड प्राइस है 8.45 लाख और ऑटोमेटिक में है 9.03 लाख। इसके बाद है VXi ऑप्शनल, जिसकी मैनुअल में ऑन रोड प्राइस है 8.77 लाख और ऑटोमेटिक में है 9.34 लाख। इसके बाद है ZXi, जिसकी मैनुअल में ऑन रोड प्राइस है 9.61 लाख और ऑटोमेटिक में है 10.19 लाख। और इसके बाद है ZXi प्लस, जिसकी मैनुअल में ऑन रोड प्राइस है 10.42 लाख और ऑटोमेटिक में है 11 लाख। और फिर है ZXi प्लस डुअल टोन, जिसकी मैनुअल में ऑन रोड प्राइस है 10.60 लाख और ऑटोमेटिक में है 11.18 लाख। ये थी इस गाड़ी में मिलने वाले सभी वेरिएंट्स की मैनुअल और ऑटोमेटिक में ऑन रोड प्राइसेस। आप देख सकते हो कि इस गाड़ी के टॉप एंड वेरिएंट की प्राइस 11 लाख के पार जा चुकी है। सीरियसली मारुति ने इस गाड़ी की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा दी है। मतलब कि सीरियसली मैं सोच रहा हूँ कि वो कौन होगा जो कि स्विफ्ट जैसी छोटी हैचबैक को 11 लाख रुपए से ज्यादा पैसे देकर लेगा। मतलब कि इतने प्राइस में तो काफी डिफरेंट और अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको मार्केट में। अब बात करते हैं इस गाड़ी में आपको जो वेरिएंट्स मिलते हैं उनमें मिलने वाले फीचर्स के बारे में। तो इसका जो बेस वेरिएंट है LXi, उसमें ये मेन फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि 6 एयरबैग्स, ऑल 4 पावर विंडोज, पावर स्टेयरिंग, हिल होल्ड कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर डिफॉगर और सेंट्रल लॉकिंग। इसके बाद इसके VXi वेरिएंट में LXi के ऊपर ये फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, 7 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके साथ आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं और स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं और रियर में पार्सल ट्रे मिलती है। इसके बाद VXi ऑप्शनल में VXi से ज्यादा ये मिलता है, जैसे कि पुश स्टार्ट बटन, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVMs, अभी तक आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल रहे थे लेकिन अब इसमें फोल्डेबल मिल रहा है, और इसमें सुजुकी कनेक्ट मिलता है जिसमें कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं। इसके बाद ZXi में आपको VXi ऑप्शनल से ज्यादा ये फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जिंग मिलती है, रियर में AC वेंट्स मिलते हैं, इसमें USB टाइप ए और टाइप सी चार्जिंग मिलती है, और इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, जिसमें बूमरंग शेप की DRLs मिलती है, और इसमें 60-40 स्प्लिट रियर सीट्स मिलती है। और इसके बाद है ZXi ऑप्शनल, जिसमें ZXi से ज्यादा ये फीचर्स मिलते हैं, इसमें अब LED फॉग लैंप्स मिलते हैं जो कि अभी नहीं मिल रहे थे, और इसमें डुअल टोन अलॉय व्हील्स मिलते हैं, और इसमें 9 इंच का स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा, क्रूज कंट्रोल, कलर्ड मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिलती है। तो ये सब मेन एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं आपको सभी वेरिएंट्स में। और अब बात करते हैं मारुति ने इस गाड़ी में क्या डाउनग्रेड किया है उसके बारे में, जो कि है इस गाड़ी का इंजन। पहले इस गाड़ी में अच्छा भला 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल रहा था, जो 89 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क देता था, और इसमें काफी बढ़िया माइलेज भी मिलता था। लेकिन भाई मारुति को ये माइलेज कम लग रहा था, इसलिए मारुति ने इस गाड़ी का पूरा इंजन ही चेंज कर दिया, जो कि है नया 1.2 लीटर का Z सीरीज 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। ये 82 BHP की पावर और 112 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और इसके माइलेज की बात करें तो ये मैनुअल में 24.8 KMPL, मतलब कि लगभग 25 KMPL का माइलेज क्लेम करता है, और AMT में ये 25.75 KMPL का माइलेज क्लेम करता है। और भाई इस गाड़ी का माइलेज बढ़ा है तो उसमें सिर्फ इस गाड़ी के इंजन का ही रोल नहीं होगा, मुझे लगता है कि इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी मारुति ने पहले से, ऐसा मुझे लगता है, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, पहले की तरह है, उससे बेहतर है या फिर उससे भी बेकार है, ये तो इसके क्रैश टेस्ट होने पर ही पता चलेगा। और बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी में क्या चेंजेस हुए हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर में उसके बारे में। तो इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी लगती है, यहाँ पर इसमें इसकी जो ग्रिल है उसे पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है, इसमें हनीकॉम्ब पैटर्न में पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिलती है, इसमें जो सुजुकी का लोगो है वो आपको ग्रिल के ऊपर मिलता है, जो कि पहले ग्रिल में मिलता था, और इसमें न्यू LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, जिसमें L शेप की DRLs मिलती है, और नीचे इसमें LED फॉग लैम्प्स मिलते हैं, और साइड प्रोफाइल से कुछ ऐसी लुक्स मिलती है इस गाड़ी में। यहाँ पर इसमें 15 इंच के न्यू डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं, इसका जो पहले रियर डोर हैंडल था वो आपको सी पिलर में मिलता था लेकिन अब इसमें नीचे ही मिलता है, और रियर से कुछ ऐसी लुक्स मिलती है इस गाड़ी में। यहाँ पर इसमें न्यू सी शेप के टेल लैम्प्स मिलते हैं जो कि LED है, और नई वाली स्विफ्ट में कुछ ऐसा इंटीरियर मिलता है, इसमें ये मारुति का फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलता है,
अब इसमें ये नया वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। सेंटर में इसमें फ्लोटिंग 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें काफी सारे फीचर्स मिलते हैं जैसे कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, और इसमें कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिलते हैं जिसमें आपको सुजुकी कनेक्ट ऐप मिलता है और इसमें वायरलेस चार्जर भी मिलता है। और बाकी इस गाड़ी में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, हिल होल्ड कंट्रोल, ESP और 3-point सीट बेल्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं और इसमें 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगे बेस वेरिएंट से ही। तो भाई ये सब कुछ मिल जाता है आपको नई वाली मारुति की स्विफ्ट में। तो बस यही था इस वाली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए नीचे यश ऑटो कार्स को सब्सक्राइब कर लो।